कहा जाता है कि गाजी आमिर अब्दुलरहमान चीमा का जनाजा लोगों की उंगलियों पर था, क्योंकि लोग इस जनाजे को कंधा देने के लिए बहुत बेताब थे और काफले दर काफले इस जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। हालांकि इनका इस मैयत से कोई खूनी रिश्ता नहीं था। आखिर ये गाजी आमिर अब्दुलरहमान चीमा कौन थे? आमिर चीमा 4 दिसंबर 1970 की सुबह अपने ननियाल हफ्साबाद में पैदा हुए। आपकी वालदा ने आपका नाम आमिर जबकि वालद ने अब्दुलरहमान तजवीज़ किया। चुनाचे दोनों नामों को मिलाकर आमा अब्दुलरहमान रख दिया गया, लेकिन मुख्तसर नाम आमिर मशहूर हुआ। आमिर चीमा अपने वालदैन के इकलौते बेटे थे। इनकी 3 बहनें हैं। आपने 1993 में जामिया हाई स्कूल टॉक कश्मीरिया रावलपिंडी से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1996 में FG सैयद कॉलेज माल रोड रावलपिंडी से FSC की। नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फैसलाबाद से BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में लेक्चरर रहे। रायमंड की एक टेक्सटाइल मिल और अलकरीन टेक्सटाइल मिल कराची में कुछ अर्सा मुलाजमत की। नवंबर 2004 में जर्मनी रवाना हुए और जर्मनी के शहर मॉन्सक्लाड बाख में वाकया और शोले फ्रीडरियन यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोजिंग मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। आपने कामयाबी के साथ 3 सेमेस्टर मुकम्मल कर लिए थे। अब इनका आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और जुलाई 2006 में तलीम मुकम्मल करके वापस लौटना था। मजहबी और तारीखी कुतुब मुतालिया इनका एक पसंदीदा मशगला बन चुका था। जब वो यूरोप के तोबा शिकन और काफर अदा माहौल में गए तो तब भी अपने दामन पर कोई धब्बा नहीं लगने दिया और ना ही अपने किरदार पर कोई हर्फ उठने दिया। 30 सितंबर 2005 को डेनमार्क के एक अखबार जैनजियन पोस्टन के ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 12 नहायत तुहीन अमेज और ना जेबा कार्टून शेयर किए। फिर मुसलमानों को मुश्तिल करने के लिए एक मुनज़म साजिश के तहत जनवरी 2006 में 22 ममालिक के 75 अखबारों और रसालों ने इन कार्टून को दोबारा शेयर किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुहीन हो और मुसलमान खामोश रहे, यह हो ही नहीं सकता। यह दरअसल मोहब्बत इश्को अदब और एहतराम की निराली ही दुनिया है। कोई अनोखा ही रंग है जिसे गैर मुस्लिम मगरी वाले यहूदी ईसाई और हिंदू समझ नहीं सकते। आमिर अब्दुलरहमान चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी अनोखे रंग में रंगे हुए थे। इन कार्टूनों की इशात से मुश्तिल होकर जर्मनी में मुकीम इस पाकिस्तानी तालिबे इलम आमिर अब्दुलरहमान चीमा ने मुतहल्का अखबार के चीफ एडिटर एजिक ब्रोडो पर कातराना हमला कर दिया। अखबारातों साइन में शाया होने वाले मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुहीन ने इन्हें सख्त बेकरार और बेचैन कर दिया था। इनकी ये बेकरारी और बेचैनी आमिर चीमा को इस रसवाए जमाना अखबार के मरकजी दफ्तर में ले गई और वह तेज़ कदमों से अखबार के गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडिटर के कमरे की तरफ बढ़े। आमिर चीमा दौड़ते हुए एडिटर के कमरे में घुस गया और अपने कपड़ों में छुपाया हुआ खास किस्म का अशकारी खंजर निकाल कर इस पे दर पे वार करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। इतने में दफ्तर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड भी जमा हो गए। उन्होंने आमिर चीमा को पकड़ लिया। आमिर चीमा ने मजीद वार करने के लिए अपने आप को इन लोगों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत से लोग थे इसलिए आमिर चीमा अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, काजी आमिर अब्दुलरहमान चीमा ने चीफ एडिटर एजिक ब्रोडो पर कातराना हमले के नतीजे में वो नहायत इबरतनाक हालत में जहन्नम वासन हो गया। काजी आमिर अब्दुलरहमान चीमा गिरफ्तार हुए। जर्मन पुलिस और मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसियों ने बर्लिन जेल में 44 दिन तक आमिर चीमा को जहनी और जिस्मानी जीतें देकर तशद्दुद किया। एक मौके पर तफ्तीशी अफसर ने आमिर चीमा को मशरूत तौर पर रिहा करने की पेशकश करते हुए कहा कि वो जर्मन टेलीविज़न पर आकर ऐलान करें कि वो जहनी मरीज हैं, दिमागी तौर पर तंदरुस्त नहीं हैं और इसलिए ये कदम महज जज्बात में आकर उठाया था। मजीद बरा ये कि इस फेल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा और नादिम हूँ। शहीद गाजी आमिर चीमा ने नहायत तहम्मुल से तफ्तीशी अफसर की तमाम बातें सुनी और फिर अचानक शेर की तरह दहाड़ा और इस अफसर के मुंह पर थूक दिया और रोते हुए कहा कि मैंने जो कुछ किया है वह नहायत सोच समझ कर अपने ज़मीर के फैसले के मुताबिक किया है। मुझे अपने फेल पर बेहद फख्र है, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تو کیا ہزاروں جانیں قربان. میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. باحث مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اپنے فریضے کی ادائیگی کرتا رہوں گا. غازی عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل اقام نے اپنے سے باہی ہو کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر تشدد کی انتہا کر دی, جس کے ان کے پیچھے سے ہاتھ بھی باندھے گئے, پلاس کے ساتھ ان کے ناخن کھینچے گئے, پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے, گرم استری سے ان کا جسم داغا گیا, جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا ڈنڈے مارے گئے, ڈرل مشین کے ذریعے ان کے گھٹنوں میں سوراخ کیے گئے. غازی عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے. اسی دوران میں ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے. پھر ان بدبختوں نے ان کی شہرت کاٹ دی. میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاودانہ. غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی. شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا. بعد ازاں شہید کے ابائی گاؤں سروکی وزیر آباد میں تدفین ہوئی. ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے.